आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आप CSP कैसे ओपन कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हम CSP कैसे ओपन कर सकते हैं, CSP ओपन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और फिर आप सर्टिफिकेट कहां से प्राप्त कर सकते हैं जिससे आप यहां से एलिजिबल हो जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CSP ओपन करने के लिए। इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। साथ ही साथ फिर मैं आपको लाइव प्रूफ ये भी दिखाऊंगा, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CSP लेना चाहते हैं तो कैसे आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन लेने के लिए, और फिर अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, इन दोनों तरीकों में से बेस्ट तरीका कौन सा है CSP लेने के लिए, इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CSP आप कैसे ले सकते हैं फ्रेंड, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CSP लेने के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इससे पहले चलिए हम लोग जान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CSP लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहले अगर फिर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CSP लेने के लिए, इसके लिए फिर आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस इसका सर्टिफिकेट लगता है फ्रेंड अगर आप किसी भी बैंक की अब CSP लेना चाहते हैं। अगर आपको नहीं पता फिर IIBF की सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना रहता है, कहां से आप स्टडी करें जिससे आप IIBF का एग्जाम क्लियर कर लें और फिर आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, अगर इन सभी के बारे में आपको एक भी जानकारी नहीं है तो अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं डिटेल में एक वीडियो बना के चैनल में अपलोड कर दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे एग्जाम क्लियर करते हैं, सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है, इसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर फिर हम यहाँ से बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CSP लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CSP लेना चाहते हैं तो आपकी एज मिनिमम यहाँ से 20 ईयर होनी चाहिए, यानी फ्रेंड आप 21 साल के होने चाहिए अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CSP लेना चाहते हैं। साथ ही आप कम से कम 10वीं तक यानी फिर मैट्रिक पास होने चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और फिर आपके पास यहाँ से एक आपसे आमदनी होनी चाहिए जिसमें आप सबको मालूम होगा फ्रेंड कि यहाँ से आप सिक्योरिटी के रूप में अगर आप CSP लेते हैं तो जमा करना पड़ता है, आपके पास अमाउंट होना चाहिए जिससे आप CSP ओपन कर सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी होने चाहिए आप और एक कर्मठ यहाँ से आदमी होने चाहिए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ से फिर अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी और फिर अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही साथ आपको पासपोर्ट साइज का कलर फोटो होना चाहिए जो रजिस्ट्रेशन में खींचा गया हो, साथ ही साथ आपके एजुकेशन का सर्टिफिकेट लगता है, आपको पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और शॉप का एग्रीमेंट जरूर लगेगा, यानी फिर आप अपने शॉप का NOC बनवाना पड़ेगा अगर आप शॉप रेंट में लेते हैं तो। साथ ही साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा जिसमें आप पुलिस से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। इसके साथ ही आपका नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CSP लेना चाहते हैं तो। इसके बाद क्या क्या टाइम आपको यहाँ से मिलता है फ्रेंड, क्या क्या चीज़ें आपको दी जाती हैं अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया CSP लेते हैं, तो यहाँ फ्रेंड आपको सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाता है CSP चलाने के लिए जिसमें से आप कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे फ्रेंड आप उसमें से कमीशन अर्न कर सकते हैं। सो फ्रेंड ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप दिखाया। अब इसके बाद फ्रेंड चलिए हम लोग जान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आप CSP कैसे ले सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CSP लेने के दो तरीके फ्रेंड, पहला ऑफलाइन तरीका, दूसरा ऑनलाइन तरीका। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑफलाइन तरीके के बारे में। तो ऑफलाइन तरीके के लिए फ्रेंड आपको करना क्या रहता है, एक ब्रांच में विजिट करना पड़ता है, आपको जाके मैनेजर से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, उनसे बताना है फ्रेंड आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CSP ओपन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। इसके बाद वहाँ ब्रांच मैनेजर के द्वारा प्रोसेस बताया जाएगा कितना आपको सिक्योरिटी मनी जमा करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और प्रोसेस क्या है। अगर फिर आप ब्रांच मैनेजर के द्वारा बोला जाता है जिस भी आप लोकेशन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CSP लेना चाहते हैं उस लोकेशन में ऑलरेडी कोई CSP ले चुका है तो फिर आपको दूसरे लोकेशन में CSP लेना चाहिए या फिर जब तक वो CSP ना हो बंद हो तब तक उसका आपको ऐसे वेट करना चाहिए।
और अगर फिर ब्रांच मैनेजर के द्वारा बोला जाता है कि यहाँ इस ब्रांच के द्वारा आपको सीएसपी नहीं प्रोवाइड की जाती है, तो फिर आप सीएसपी के लिए अप्लाई नहीं करना है। अगर ब्रांच मैनेजर कहता है कि अगर आप सीएसपी के लिए अप्लाई करना चाहे तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो ऐसे में फिर आप बहुत सारी कंपनियां मिलती है जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिर ईसेट्स के बारे में, आप ईसेट्स से आके सीएसपी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड कि अगर आप सीएसपी ओपन करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो अगर पहले आप पैसे की डिमांड की जाती तो आपको एक भी रुपए जमा नहीं करना है, यहां से कंपनी को भी फ्रेंड एक भी रुपए नहीं देना जब तक आपको सीएसपी का आईडी और पासवर्ड ना मिल जाए। जो भी पैसे आपको जमा करना रहता है वो बैंक में जाके आपको उनसे जमा करना पड़ता है। इसके साइड में आएंगे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से फिर ध्यान रखें क्योंकि आपके ये साइड में ही आए क्योंकि आपके साथ में यहाँ से फ्रॉड हो सकता है अगर आप गलत साइड में विजिट कर जाते हैं तो। इसके बाद आपको ऐसे करना क्या है, एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू कियोस्क इंक्वायरी फॉर्म, आपको सिंपली न्यू कियोस्क इंक्वायरी फॉर्म वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपना ऐसे नेम डालना है, इसके बाद आप किस बैंक का सीएसपी लेना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर फ्रेंड आपको अपने यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है किस स्टेट में लेना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहीं से फ्रेंड आप आके डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप इसे लेना चाहते हैं। तो अपने यहाँ से फ्रेंड ब्लॉक या फिर तहसील का यहाँ से नाम आप डाल देंगे, जो भी नाम रहेगा फ्रेंड आप यहाँ से डालेंगे। इसके बाद नाम डालने के बाद अपने यहाँ से पिन कोड डाल देंगे, जो भी पिन कोड रहेगा। इसके बाद फिर यहाँ से आपको देख सकते हैं लोकेशन आपको डाल देनी है, आपकी लोकेशन क्या रहेगी, वार्ड नंबर अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है। इसके बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर देना है, फिर एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है, यहाँ से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है और एक आपको यहाँ से जीमेल आईडी देना है। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे फिर आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर देंगे, ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर जो भी लोकेशन आपने यहाँ से डालने पे, जो भी एड्रेस आपने यहाँ से डाला है उस एड्रेस में अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो बैंक आप सेलेक्ट करेंगे उसके सीएसपी की डिमांड होती है तो आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद आप सीएसपी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन फिर इनके द्वारा कुछ नोट भी दिया गया, जहाँ से देख सकते हैं बताया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा सिर्फ एक ही कियोस्क को संचालित किया जा सकता है, दूसरा है फ्रेंड एक परिसर या फिर एक दुकान या फिर एक शॉप जिसे आप बोलते हैं फ्रेंड, वहां से केवल एक ही आप सीएसपी को चला सकते हैं। इस प्रकार फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे कॉन्टेक्ट करना चाहें तो कॉन्टेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आप सिंपली कॉन्टेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आप स्टेट बाय स्टेट करना चाहें तो आपको इसे स्टेट के बारे में मिल जाता है, यहाँ से देख सकते हैं इनका नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ से फिर आपकी ईमेल आईडी भी देखने को मिल जाती है। जो भी आपके यहाँ से नियरेस्ट लोकेशन रहता है आप वहाँ से उसे आके सेलेक्ट करेंगे, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार फिर अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सीएसपी लेना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में दोनों तरीका ऑनलाइन और ऑफलाइन बताया हूँ। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से जरूर करें। आपके मन में कोई भी सवाल रह गया हो तो अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें जाए सीधा इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाता है, वहां से जाके फॉलो करें, आप कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। या हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक ऑल पे क्लिक करें। अगर फिर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा इस चैनल पे डेली नॉलेजेबल वीडियो अपलोड होते रहते हैं जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। इस तरह एक नॉलेजेबल कॉन्टेंट मैं जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।